नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के लिए नायाब साबित हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिससे किसानों ने खुद के लिए गारंटी महसूस की है। बात चाहे MSP की हो या फिर किसानों के खाते में बोनस राशि देने की हो, किसानों के हित में नायब सिंह सैनी ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, ऐसे में नायब सिंह सैनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए किसानों के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले दिनों जो बरसात कम हुई है, वर्षा के कारण हमारे किसानों के लिए खर्चा भी बढ़ गया था, तो उस खर्चे को अब कम किया गया है। हमने पिछले दिनों फैसला लिया था कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में बोनस जारी किया है। CM सैनी ने यह भी कहा कि आज पहली किस्त जारी की गई है और 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई है। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 से 2 दिन में किसानों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। जिस भी किसान का स्टेशन पोर्टल पर होगा, उसके खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने दूध विक्रेताओं के लिए भी घोषणाएं की हैं। जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। CM ने कहा कि दूधिया हर हाल में लोगों तक दूध पहुंचाते हैं और दूध उत्पादकों के लिए हमने घोषणाएं की थी 35,000 दूध सहकारी समितियों से जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर बड़ा हमला भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष से कई सवाल पूछे और ये भी कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारी सरकार के प्रति झूठे आरोप लगा रही है। CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस से 10 सवाल किए। चलिए हम आपको बताते हैं वो सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, मुआवजे के रूप में 2 रुपए का चेक देकर किसानों का अपमान क्यों किया गया। दूसरा सवाल, कांग्रेस सरकार में कितनी फसलें MSP पर खरीदी जाती थी। तीसरा सवाल, मासूम किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर उन पर अत्याचार क्यों किया गया। चौथा सवाल, किसानों के हित में एक भी योजना की शुरुआत नहीं की गई, क्यों नहीं की गई। पांचवा सवाल, बागवानी फसलों को संरक्षित करने के लिए कौन सी नीति बनाई गई थी। छठवां सवाल, फसलों की सिंचाई के लिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए। सातवां सवाल, जब हरियाणा में किसानों के हालत खराब थी तो उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। आठवां सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए उन्होंने अपने शासनकाल में कितनी सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदी थी। नौवां सवाल, 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बाजरे की कितनी खरीद MSP पर की थी। और दसवां सवाल, 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने हरियाणा में कितनी सरसों MSP पर खरीदी थी। तो बिल्कुल अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह का प्रचार पूरे प्रदेश में किया गया। और आज की हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM ने जहां किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए, तो वहीं एक एक कर विपक्ष की परतें भी उधेड़ी। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है, और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुँच जाएगा, ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था। आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे, किसानों के उन सब के खाते में
ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी, ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण।